वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हम लोगों के पास, जिसकी कैपेसिटी ऑलरेडी सी है, कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ वी वोल्ट की ईएमएफ से मैंने एक कैपेसिटर को लगा के खूब चार्ज कर लिया जितना मेरा मन कर रहा था। उसके बाद मैं डिसकनेक्ट कर दिया, फुली चार्ज होने के बाद मैंने डिसकनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को और उसके अंदर ला के भर दिया डाई इलेक्ट्रिक। We just fill the gap of the capacitor now inserted in it. Which of the following is incorrect? इसमें से गलत कौन सा है? अगर आप एक कैपेसिटर लेके आते हो, चलो एक कैपेसिटर है, मैं इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज कर लिया फुली एक बैटरी लगा के जितना मेरा मन करता था, समझना इस क्वेश्चन को। अब उसके बाद अगर मैं बैटरी डिस्कनेक्ट कर लिया, इसकी कैपेसिटी सी हो गई, इसके बीच एयर था, बाद में मैंने मेरी इच्छा ये हुई कि मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भी डालूं, ये मैंने लेके आया एक डाइलेक्ट्रिक जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, समझना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इसके अंदर इंसर्ट करने से हम सबको पता है इसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों के बाद डिसकनेक्टेड है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब बैटरी से कनेक्टेड नहीं है यार, तो कौन सा इसमें से गलत कौन सा है? तो हमें गलत ऑप्शन निकालना, इनकरेक्ट निकालना है। हम सबको पता है कि द चेंज इन द एनर्जी स्टोर, ऑब्वियसली अब पहले जो इतनी एनर्जी थी, जब कैपेसिटर डालोगे तो एनर्जी में चेंजिंग आएगी। अब इतना चेंज आएगा या नहीं आएगा वो बाद में देखोगे, ये तो क्लियर है कि एनर्जी में चेंजिंग आएगी, तो ये सही होने का चांस होता है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, मतलब यही सही है यार, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप बैटरी से डिसकनेक्ट कर लिए, बैटरी ने जो भी चार्ज इससे स्टोर कर दिया तो अलग से कहीं चार्ज थोड़ी जनरेट होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है यही सही है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड एनर्जी। बाकी भी चेक कर लेते हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। जो एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितना, जब इनिशियल एनर्जी थी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी बराबर है, दिस इज द इनिशियल एनर्जी बिफोर द इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक। फाइनल एनर्जी जो आ जाएगी जब मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूंगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी डैश। हम सबको पता है कैपेसिटर फुली डाल दूंगा तो नई कैपेसिटी सी डैश एक्चुअल की सी टाइम्स ग्रेटर होती है, तो फाइनल जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू के सी। मतलब यार इनिशियल एनर्जी कि k टाइम्स कम हो गई, इंटरेस्टिंग बात है। गई कहाँ भाई एनर्जी? एनर्जी जब कैपेसिटर डाल दोगे तो इसके अंदर एनर्जी कम हो गई, कितनी कम हो गई? k टाइम्स। गई कहाँ? ध्यान से समझना। तो यहां से जैसे ही कैपेसिटर ये प्लस प्लेट है, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक लाओगे तो ये जो है प्लस प्लेट, यहां पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये प्लस है तो इस पे सामने वाले पे डाइलेक्ट्रिक पे प्लस डेवलप हो जाएगा। और ये अब ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है माइनस है। ज़्यादा डेप्थ में आप पड़े होगे तो ये कांस्टेंट एक्सलेशन से इसके अंदर आएगा, तो ये जो कांस्टेंट एक्सलेशन से आएगा तो इस डाइलेक्ट्रिक को बैट जो कैपेसिटर वो खींच रहा है, पुल कर रहा है अपनी साइड। तो जब जो वर्क डन है वो कैपेसिटर कर रहा है ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक, दैट्स वाई द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज डिक्रीजेस, इज यूज्ड इन द पुलिंग, इसको पुल करने में यूज हो गया। तो ये मुझे फाइनल, तो चेंज इन एनर्जी, ऑब्वियसली जो चेंज इन एनर्जी आया उसको मैं निकाल सकता हूँ। तो फाइनल में से फाइनल चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू इनिशियल में से फाइनल को घटा दो तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर ओवर 2C और 1 माइनस 1 अपॉन K, दैट इज द चेंज इन एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा मतलब सही बात है, कैपेसिटर के बाद Q इज इक्वल टू सी बी, यहाँ से सी बी के टर्म में लिख लो तो इन्होंने सी बी के Q इज इक्वल टू सी बी, तो जो चेंज इन एनर्जी आ जाएगी यहाँ से सी बी रखोगे तो सी बी स्क्वायर अपन टू वन माइनस वन अपन के। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो कैपेसिटर के बारे में तो सही है इस सिचुएशन के लिए, लेकिन अपने क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ये गलत है क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है।
चार्ज कंजर्व रहेगा, यही सही है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के टाइम डिक्रीज होगा। चलो देख लेते हैं क्या प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स कम हो गया होगा। जब आप डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तो Q इज इक्वल टू सी वी, पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q बाई सी था, बराबर है। जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो प्लेटों के बीच मान लो पोटेंशियल V हो गया, क्योंकि चार्ज वही रहेगा, कैपेसिटी C डैश हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q, C और K, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल V K टाइम्स डिक्रीज हो गया। मतलब सी ऑप्शन कैपेसिटर के बारे में सही है, पर अपने गिवेन सिचुएशन और आंसर के बारे में गलत है, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है। द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम्स, ऑब्वियसली के टाइम्स डिक्रीज होगा, हम लोग पहले निकाल चुके हैं, दैट्स वाई दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था।